तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए फिल्म नगरी से जुड़ी कुछ मजेदार खबरें लेकर। दोस्तों, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास की 500 करोड़ के बजट वाली फिल्म आदि पुरुष की रिलीज का फैंस काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी फैंस को कुछ महीने और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसी फिल्म से जुड़े एक अच्छी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का टीजर और पोस्टर 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। कहा जा रहा है मेकर्स ने फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट को काफी ग्रैंड लेवल पर ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म रामायण महाकाव्य पर बेस्ड है, इसलिए मेकर्स ने फैसला किया है कि इस फिल्म का टीजर भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में सरयू नदी के किनारे रिलीज किया जाए। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने ट्वीट कर टीजर लॉन्च इवेंट की जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा, हमारी मैजिकल जर्नी अब आपके सामने है। मच अवेटेड हमारी फिल्म आदि पुरुष का टीजर और पहला पोस्टर 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। फिल्म 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में आईमैक्स और 3D में रिलीज होगी। अगली खबर की बात करें तो वो खबर भी साउथ फिल्म से आ रही है। साउथ फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का बुधवार सुबह 28 तारीख को निधन हो गया। वे उम्र संबंधित कई बीमारियों से पीड़ित थी। कहा जा रहा है कि वे हैदराबाद के AIG अस्पताल में भर्ती थी और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो अंतिम दर्शन के लिए इंदिरा देवी का पार्थिव शरीर पद्मालय स्टूडियो में रखा गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को ही 1 बजे महाप्रस्थानम में हुआ। महेश बाबू की फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया कि वेटरन एक्टर कृष्णा की पत्नी और महेश बाबू की मां घट्टा मनीनी इंदिरा देवी का कुछ समय पहले निधन हो गया। वो पिछले काफी समय से उम्र से जुड़ी हुई बीमारियों से पीड़ित थी। उनके पार्थिव शरीर को सुबह 9 बजे फैंस के दर्शन के लिए पद्मालय स्टूडियो में रखा जाएगा और बाद में महाप्रस्थानम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस समय लाल सिंह चड्ढा की तरह सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा रिलीज से पहले लोगों के निशाने पर आ गई है और ट्विटर पर फिल्म का बॉयकॉट शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार इस फिल्म का बहिष्कार करने की बात की जा रही है और इसकी बड़ी वजह सैफ अली खान का एक पुराना बयान जिसमें उन्होंने राम को लेकर टिप्पणी की थी। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं अपने बेटे का नाम अलेक्जेंडर नहीं रख सकता और असल जिंदगी में मैं राम भी नहीं रख सकता। इस बयान का असर अब उनकी आने वाली मूवी में साफ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी ये फिल्म बॉयकॉट होती है या फिर बॉक्स ऑफिस में अच्छा कमाल दिखाती है। वैसे दोस्तों, हॉलीवुड के सुपर हीरो वुल्वरीन को तो आप जानते ही होंगे। अगर जानते हैं तो वुल्वरीन के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बड़े पर्दे पर एक्समैन सीरीज का ये सबसे लोकप्रिय किरदार लौट रहा है और इसे निभाएंगे जाने माने सुपरस्टार ह्यू जैकमैन ही। वुल्वरीन की वापसी डेडपूल 3 से होगी। इसकी घोषणा डेडपूल के लीड एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने एक वीडियो के जरिए की। फिल्म 2024 में रिलीज होगी। सोशल मीडिया में शेयर किए गए इस वीडियो की शुरुआत रायन के माफी मांगने से होती है। रायन कहते हैं, हम 2023 में नहीं आ पाएंगे, इसके लिए बेहद अफसोस है। हमें डेडपूल की अगली फिल्म पर बहुत मेहनत करनी है और उन्होंने इशारे इशारे में ये बयां कर दिया कि वे जल्द ही पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। और अगली खबर पर नजर डालें तो दोस्तों, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र की कहानी पर भले ही मिली जुली प्रतिक्रिया रही हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन काफी शानदार रहा। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ब्रह्मास्त्र की कहानी कुछ खास हो या ना हो, लेकिन इस फिल्म के VFX और विजुअल इफेक्ट्स की हर जगह तारीफ हो रही है। हाल ही में डायरेक्टर और अभिनेता राकेश रोशन भी ब्रह्मास्त्र के VFX की तारीफ करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, निर्देशक एवं निर्माता ने अपने फैंस से ये वादा किया कि उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रिश 4 में भी फैंस को दमदार VFX देखने को मिलेंगे। दोस्तों, साल 2019 में बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपना करियर शुरू करने वाली अनन्या पांडे हाल ही में विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म लाइगर में नजर आई थी। अनन्या पांडे अब तक 5 फिल्मों में काम कर चुकी है और 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। अपने फ्लॉप करियर को लेकर चंकी पांडे की लाडली कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार भी हो चुकी है, लेकिन फ्लॉप फिल्मों के बावजूद भी अनन्या पांडे के हाथ में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ड्रीम गर्ल और खो गए हम कहां के बाद अब लाइगर एक्ट्रेस OTT प्लेटफॉर्म पर अपना जलवा बिखेरने की तैयारी कर रही है और जल्द ही अनन्या पांडे हमें वेब सीरीज डेब्यू करते नजर आ सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बॉलीवुड की ये ताजा खबरें? उम्मीद है आप सभी को ये खबरें काफी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल तो रखिए ही।